सचिव सीताराम येचुरी का निधन हुआ। ये बड़ी खबर है। 72 साल की उम्र में सीताराम येचुरी का निधन हो गया। दिल्ली के एम्स में भर्ती थे सीताराम। लंबी बीमारी से दिल्ली के एम्स में भर्ती थे और इलाज चल रहा था। निधन अब उनका हो गया है। 2005 से 2017 तक राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं, पर वो नहीं जी पाए क्योंकि लंबी बीमारी यहां पर चल रही थी। पर क्या कुछ कहा जा सकता है सियासी तौर पर, क्या कुछ अभी प्रतिक्रियाएं सामने आ चुकी हैं? क्योंकि बड़ी क्षति, कोई दो राय नहीं, ना सिर्फ पार्टी के लिए बल्कि सियासी तौर पर जो लंबा सफर रहा है, जो एक्टिव राजनीति उनकी तरफ से यहां पर की जाती रही है, समर्थकों की भी लंबी फहरिस्त रही है। देखिए, राज्यसभा सांसद रहे, 2 बार के राज्यसभा सांसद रहे और हमें खुद उनको कवर करने का नजदीकी तौर पे मौका मिला सबीना। और कॉमरेड येचुरी, जिनको सीताराम के नाम से जाना जाता था पार्टी सर्कल में, उनकी जो छवि ऐसी थी कि सर्व दलों में उनकी मान्यता व्याप्त थी, चाहे वह सत्ताधारी दल हो चाहे विपक्ष दल हो। उनके कांग्रेस से भी रिश्ते उतने ही मधुर थे जितने की बीजेपी से जो थे वो रिश्ते थे। जब मोदी सरकार पहली बार अपने कार्यकाल में आई, कॉमरेड केसरी राज्यसभा में थे और कई बिल ऐसे थे सरकार का जोरदार उन्होंने विरोध किया, बावजूद इसके उनकी जो सामंजस्य सत्ता पक्ष के साथ बैठाने में वो लगातार कामयाब होते और कई बार हम उनको लॉबी में भी देखते कि सत्ता पक्ष के सांसदों के साथ संवाद करते हुए। मीडिया से भी इनका जो इंटरेक्शन था कॉमरेड येचुरी का, बहुत ही संयम भरा था और कभी भी उनके पास जाके हम लंबे सब्जेक्ट्स पर चर्चा कर देते थे। सबीना, ये कॉमरेड येचुरी एक ऐसे नेता थे, तेलुगु से आया हुआ एक शख्स जो की सीपीएम पार्टी की कमान संभाली और उस वक्त कमान संभाली जब पार्टी का जो नीचे का ग्राफ नीचे की ओर गिर रही थी, बंगाल में उसने सत्ता गंवा दी और उसके बाद उन्होंने पार्टी में एक तरीके की रिफॉर्म लाने की कोशिश की, लेकिन बहुत सफल वो नहीं हो पाए। लेकिन अपनी एक अलग तरीके की शैली से वह सर्वमान्य राजनीतिज्ञ थे और प्रकाश करत का अगर करात का एक युग था सीपीएम में तो सीताराम येचुरी का दूसरा एक जो युग था सीपीएम में। और भारतीय राजनीति हमेशा इस दूरदर्शी राजनीतिज्ञ की कमी को महसूस करेगी और कॉमरेड येचुरी का जाना एक बहुत बड़ा धक्का है। अमित, एक लंबा राजनीतिक करियर उनका यहाँ पर रहा, सफर रहा, पक्ष विपक्ष दोनों ने अपनाया, कई ऐसे मुद्दे रहे कि हो सकता है कि विपक्ष की तरफ से स्वीकृति ना रही हो, लेकिन जो अनुभव उनका रहा, जो फैसले कई बार उन्होंने ऐसे वक्त पर लिए जब पार्टी नहीं ले पा रही थी या कुछ फैसले नहीं हो पा रहे थे, ऐसे में उन्हें भी इस वक्त जाहिर सी बात है याद किया जा रहा होगा। और इस सफर के दौरान कहा जा सकता है जो स्वीकृति उन्हें पक्ष विपक्ष दोनों की तरफ से मिली, इसलिए भी कहा जा सकता है कि कुछ राजनीतिक शख्सियतें ऐसी होती हैं जिनका जाना वाकई बहुत बड़ी क्षति। देखिए सबीना, एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर आप एक साधारण तरीके से अगर वो जा रहा है उसको आप रोक लें, नाम के संबोधन से रोक लें और उसके बाद आप उससे किसी भी देश के राजनीतिक विषय के बारे में चर्चा करें और वह आपके सारे सवालों का जवाब दे रहा है तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना सहज वह राजनीतिज्ञ है। और सीताराम येचुरी, कॉमरेड येचुरी या सीताराम जैसा कि उनको पार्टी सर्किल में जाना जाता था, वह इस चीज के लिए बिल्कुल प्रसिद्ध है। कोई भी उनके पास जाकर भारतीय राजनीति के विषयों में समझ सकता था। ये उन्हीं का दौर था, हमें याद रखना होगा, जब केरला में सीपीएम और कांग्रेस जो धुर विरोधी थे उनका बंगाल में जब गठबंधन हुआ तो ये उन्हीं के पहल के आगे, उनको एक रिफॉर्मिस्ट नेता माना जाता था, उन्होंने सीपीएम को एक रिफॉर्म लाने की कोशिश की। हालांकि पूरी तरीके से वो सफल नहीं हो पाए, लेकिन प्रयोग की राजनीति में सीताराम येचुरी को जाना जाएगा और लगातार उसके सरकार चाहे और जो भी की सरकार को बात करनी होती थी उनकी राय जरूर ली जाती थी। देखिए, ये बात हमें भी एक और ध्यान रखनी होगी कि जब उनका दूसरा कार्यकाल जब समाप्त हुआ, अमूमन सीपीएम के पार्टी काडर में यह कॉन्स्टिट्यूशन है कि कोई दूसरे कार्यकाल से तीसरा कार्यकाल नहीं हो सकता। उस वक्त कॉमरेड येचुरी एक प्रमुख अहदा रखते थे, उन्होंने अपने तीसरे कार्यकाल के लिए, राज्यसभा के कार्यकाल के लिए उन्होंने कभी भी प्रेस नहीं किया। और हालांकि सीपीएम के पास उस वक्त नंबर भी थे तो ये भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो कितने डिसिप्लिन थे, किस तरीके से पार्टी की नीतियों का। और एक ऐसा नेता जिसने जिंदगी भर सामने एक कॉमरेड की भूमिका निभाई, जिंदगी भर सीपीएम के जो काडर हैं उनको एक रिफॉर्म करने की कोशिश की, तेलुगु स्पीकिंग
तेलुगु क्षेत्र से आया हुआ वह शख्स जिसने उस पार्टी की कमान संभाली, जो कि बंगाल में भी सक्रिय है, जो कि केरल में भी सक्रिय है, जो कि उस वक्त त्रिपुरा में भी सक्रिय थी, उसकी कमान संभाली। और जितने भी उस पीढ़ी के नेता थे, चाहे वृंदा करात हो, प्रकाश करात हो, या फिर सीताराम येचुरी हुए, ये वो नेता थे जिन्होंने जब ज्योति बसु और बुद्धदेव भट्टाचार्य के बाद जब पार्टी की जो शाखाएं जब फैल रही थी तो बढ़ चढ़ कर इन्होंने हिस्सा लिया। और आज बेशक राजनीतिक रूप से केरल में ही सीपीएम है, लेकिन अगर देश भर में उसकी मौजूदगी है और युवा लोग अगर सीपीएम से अगर जुड़ रहे हैं तो यह सीताराम येचुरी की ही देन है। अमित, क्योंकि जब भी कोई जमीन से जुड़ा जनप्रतिनिधि, राजनीतिक बड़ी हस्ती हमारे और आपके बीच से या अपनी जनता के बीच से जाते हैं तो जाहिर सी बात है एक बड़ा सदमा होता है, क्योंकि वो उन्होंने उनके उस राजनीतिक सफर को बहुत करीब से देखा होता है। तो जमीन से जुड़े नेता भी वो यहाँ पर रहे, वामपंथी राजनीति का बहुत बड़ा चेहरा, बड़ा प्रमुख चेहरा वो हमेशा से रहे, क्या कहा जा सकता है, उनके लिए भी उतनी ही बड़ी क्षति। बिल्कुल, देखिए सबीना, जिस तरीके से अगर हम कहें सीपीएम 2.0 और उसको कैसे उस प्रारूप उसने किया, जब घटते हुए ग्राफ के साथ सीपीएम ने पूरे भारत में अपनी राजनीति को कैसे किया, तो इसका पूरा श्रेय सीताराम येचुरी को जाता है। कई उनके संगठन के फैसले ऐसे थे जो पार्टी स्तर पर, जो केंद्रीय स्तर पर उनको विरोध का सामना करना पड़ा। मसलन पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और वाम दलों का गठबंधन, शुरू से दो दो टर्म चुनाव लड़ गई, बावजूद इसके उन्होंने वह अपने फैसले पर कायम रहे। और जो पार्टी अध्यक्ष पद से हटने के बाद भी जब सीताराम जी, अमित हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता शहनवाज हुसैन मौजूद है। शहनवाज जी, राजनीति के लिए एक बहुत बड़ी क्षति सीताराम येचुरी का निधन लेना, हालांकि उनकी हालत काफी गंभीर चल रही थी, कुछ ऐसा अनुभव जो आप चाहेंगे कि इस वक्त हमसे साझा करें। नहीं, सीताराम येचुरी जी कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े नेता थे और ये सही है कि उनकी विचारधारा कम्युनिस्ट थी, लेकिन मिलनसार व्यक्ति थे। राजनीति में बहुत मतभेद रहने पर भी वो सबसे नमस्कार मिलते थे, अच्छे से मिलते थे। और कम्युनिस्ट पार्टी के वो महासचिव रहे और उन्होंने काफ़ी पार्लियामेंट में भी कंट्रीब्यूट किया। ऐसे नेता चाहे वो किसी भी दल में हों, वो विरले ही होते हैं, तो ये काफ़ी दुखद है उनका जाना। उनके जाने से कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर जो राजनीति है उसको काफ़ी नुकसान होगा और देश को भी एक अच्छा नेता देश ने खोया है। शहनवाज जी, क्योंकि राजनीति का अगर जिक्र करें तो पक्ष विपक्ष चाहे किसी से भी एक दिग्गज नेता जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी कमी जो है, उनके सफर की जो कमी है वो जरूर खलती है। कोई ऐसा अनुभव आप जब मिले हों, जब कभी मुलाकात हुई हो, उनकी शख्सियत के बारे में कुछ आप बताना चाहें? हमारी मुलाकात पार्लियामेंट के अंदर ही उनसे होती थी, एक दूसरे को जानते थे और कई बार एक आध टीवी डिबेट में भी उनके साथ मुकाबला हुआ था और एक आध बार उनसे बातचीत हुई थी। लेकिन ये है कि वो अपनी बात को मजबूती से रखते थे और उनका जो खासकर जो यूपीए बना उसमें उनका जब वो सरकार बनी थी तो उसमें उनका बड़ा योगदान था। लेकिन कोई ऐसी उनके साथ कोई ऐसी घटना नहीं है जिसको बहुत याद किया जाए मेरे साथ, लेकिन पार्लियामेंट में जरूर उनसे मुलाकात होती थी। शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। और एक बड़ी क्षति राजनीति के लिए एक लंबा सफर यहाँ पर सीताराम येचुरी का रहा, वामपंथी राजनीति का वो एक ऐसा चेहरा रहे जो हमेशा रहेंगे। सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी दरअसल सांस संबंधी बीमारी से जूझ रहे थे। कुछ दिन पहले भी ये खबर सामने आई थी कि हालत उनकी नाजुक बनी हुई है, डॉक्टर की विशेष टीम लगातार उनकी सेहत पर अपनी पूरी नज़र रख रही थी, लेकिन आखिरकार उन्हें बचाया नहीं जा सका। कोशिश बहुत हुई लेकिन सांस लेने में जो तकलीफ हो रही थी उसके बाद उन्हें फौरन भर्ती करवाया गया। 72 साल की उम्र उनकी हो चुकी थी, सियासी तौर पर एक बहुत लंबा सफ़र यहाँ पर रहा। अमित, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता शहनवाज हुसैन को भी आप सुन रहे होंगे, उन्होंने कहा बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन हाँ अपनी बात को जिस तरह से वो रखते थे, जो बेबाकी यहाँ पर सामने उनकी आती थी, और शायद यही कहा जा सकता है कि एक बड़ी हस्ती, एक बड़ी शख्सियत जिनके जाने पर एक ऐसी भरपाई नहीं हो पाती है, और उन्हीं में से एक सीताराम येचुरी। हम खुद संसद में थे जैसा कि हमने आपके जिक्र किया और उनको बहुत नज़दीकी से
कॉमरेड येचुरी को हमें कवर करने का मौका मिला सबीना, और जिस तरीके से हम उनसे विषयों को समझते थे, मतलब कि आज के इस भौतिक युग में साम्यवाद की जो परिकल्पना है या साम्यवाद की जो सार्थकता है, उसमें उनके पूरे उनके क्लियर उनके विचार थे, साफ विचार थे कि किस तरीके से आज के युग में हम साम्यवाद के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको लेकर हम आगे बढ़ सकते थे। और यही नहीं, जो भी शख्स जो भी सांसद जो भी विशिष्ट कमेटियों का जो सदस्य था उनसे जो राय लेता था उसमें वह अपनी विचारधारा को जरूर प्रस्तुत करते थे। जिस शख्स ने दो बार लगातार राज्यसभा का सांसद रहा, तीसरी बार सिर्फ अपने मूल्यों पार्टी के नियम पार्टी के प्रिंसिपल की वजह से, जिसने तीसरे टर्म का अपना राज्यसभा का जो कार्यकाल है उसके लिए जुगत नहीं बिड़ाई पार्टी का प्रमुख चेहरा होते हुए प्रमुख पद रहते हुए, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि आदर्शों के प्रति वह शख्स कितना समर्पित हुआ होगा। दूसरी जो चीज हम ये देखेंगे कि पिछले दो दशकों में साम्यवाद या सीपीआई और सीपीएम जिस तरीके से भारत में अपनी राजनीति को आगे लेकर बढ़ रही है, उसमें बहुत बड़ा योगदान सीताराम येचुरी का था। लोगों ने अंदाजा लगाया 2010 के बाद जब ममता आई पश्चिम बंगाल में कि अब तो सीपीएम खत्म हो गई, और उसके बाद त्रिपुरा चुनाव भी सीपीएम हार गई, लेकिन जिस तरीके से केरल में वापसी की, लगातार दो टर्म में सीपीएम ने वापसी की, और उसके बाद तमिलनाडु में भी जिस तरीके से कुछ हद तक चुनावी सफलता सीपीएम अर्जित करती रही, और यही नहीं बिहार विधानसभा चुनाव में, तो ये चुरी की सोच का नतीजा था। लंबा राजनीतिक सफर यहाँ पर रहा, लेकिन सांस की बीमारी से जूझ रहे थे सीताराम येचुरी, हालत नाजुक हुई, एम्स के आईसीयू में भर्ती हुए लेकिन जान नहीं बचाई जा सकी, निधन की ये दुखद खबर। थे येचुरी 72 साल की उम्र में दिल्ली के एम्स में उन्होंने अंतिम सांसें ली हैं। ये इस वक्त की बड़ी और दुखद खबर राजनीतिक जगत के लिहाज से भी, ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं इस वक्त। सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी का निधन हो गया है और वो दिल्ली के एम्स में भर्ती थे जहां पर उनका इलाज चल रहा था।